एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो ऑफिशियल स्पीकर में, मेरा नाम है संजय। अभी जो स्टार्टिंग में जो स्टेटस वीडियो देगा तो आप लोगों को फुल डिटेल्स में मैं एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, तो फुल स्टेप में। तो इस वीडियो को स्किप करे बिना वीडियो को पूरा देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इस वीडियो का जो मटेरियल यूज करूँगी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और एक एप्लीकेशन की जरूरत है, बिना वाटर क्राइनेस्टर एप्लीकेशन, मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, एलाइट मोशन को ओपन कर लिया, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, मिडिल सेंटर पे देख रहा है तो प्लस प्लस में क्लिक कर देना। तो प्लस में क्लिक करने के बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, वो दिख रहा है स्पेस, यहाँ पे 30% कर लेना है। तो 30% करने के बाद देखो कलर को क्या करना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद देखो नीचे दिख रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, तो क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में निकल आ चुके हैं, यहाँ पे नीचे राइट साइड में नीचे दिख रहा है प्लस वाले, तो प्लस में क्लिक कर देना। यहाँ पे मीडिया देख रहा है तो मीडिया पे आके इस ऑल पे सेट कर देना। इसको क्या करना है, इमेज सिलेक्ट कर लेना है, कुछ भी एक इमेज, कुछ भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको टाइम दे देना है फोटो को, इस फोटो को टाइम दे देना है, 28 सेकंड तक टाइम दे देना है, 28 सेकंड तक टाइम दे देना है। तो 28 सेकंड तक टाइम देने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे देख रहा है प्लस राइट साइड में, ऊपर के राइट साइड में देख रहा है तो प्लस में क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऊपर के राइट साइड में देख रहे हैं थ्री डॉट, थ्री डॉट में क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, फुल स्क्रीन पे कर देना। तो फुल स्क्रीन पे करने के बाद उसका क्या करना है, तो फोटो अभी जो फोटो सिलेक्ट किया था फोटो में क्लिक कर देना। तो फोटो में क्लिक करके यहाँ पे राइट साइड में नीचे दिख रहा है इफेक्ट्स, तो इफेक्ट पर क्लिक कर देना। तो इफेक्ट में क्या करना है, यहाँ पे ऐड इफेक्ट, तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद उसका क्या करना है, ऑफलिट्स, यहाँ पे ऑफलिट्स में क्लिक कर देना है। उसका ऑफलिट्स पर क्लिक करने के बाद उसका क्या करना है, जो ऑगमेंट उसको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना, 23% कट लेना। इस 23% करने के बाद इसे क्या करना है, फ्रेडनेस को क्या करना है, थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, 1% 0 कर लेना, 1% 0 कर लेना है, 1% 0 0। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर से फोटो में क्लिक कर देना, इफेक्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड इफेक्ट दिख रहा है तो ऐड इफेक्ट में क्लिक करके यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल स्टेम्पलेट, सिंपल स्टेम्पलेट को क्या करना है, सिंपल स्टेम्पलेट में क्लिक कर देना है। तो इसके क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे एक क्रैपिंग दे देना है। तो क्रैपिंग देने के बाद इसको क्या करना है, एक क्रैपिंग दे देना, लास्ट पोजिशन तक आ जाना। तो लास्ट पोजिशन तक आके और एक क्रैपिंग दे देना। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे जो दिख रहा है इस मेंटेनेंस को क्या करना है, माइनस कर लेते हैं, 2000 तक माइनस कर लेते हैं, 2000 तक माइनस कर लेते हैं। तो गाइस 2000 तक माइनस करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से निकल जाना। तो निकलने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना। तो एक्सपोर्ट में क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे करते हैं दिखा देते हैं। यहाँ पे तो वीडियो दिखते हैं, तो वीडियो पे क्लिक कर देना। तो वीडियो पे क्लिक करने के बाद इधर पे फेड, इस फेड में क्लिक कर देना। तो फेड में क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है 1080 कर लेना है, 1080% कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको सेचुरेशन का हाई करके रहना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट में क्लिक करते हैं, इससे एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे देना है। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं क्राइम मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो क्राइम मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर के साइड में देख रहे हैं क्रिएट न्यू, तो क्रिएट में न्यू पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, 9:16 को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा एंटर भी निकल जाएगा। तो अभी जो एलाइट मोशन से जो वीडियो अपलोड किया था, तो इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं एलाइट मोशन से। तो वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पार्ट पर जाना। तो स्टार्टिंग पार्ट पर आने के बाद लेयर पे दिख रहा है, तो लेयर पे क्लिक कर देना, मीडिया पे क्लिक कर देना। तो मीडिया पे क्लिक करने के बाद एक टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेना है। इस टेम्पलेट वीडियो को मैं ऐड करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, ऐसे डाउनलोड कर लेना। इस टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेते हैं। इस टेम्पलेट वीडियो को ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पे स्प्लिट के स्क्रीन पे आके यहाँ पे फुल स्क्रीन पे कर देना है। तो फुल स्क्रीन पे करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे दिख रहा है ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग पे आके स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना। स्क्रीन पे सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है,
फिर से लेयर पे आ जाना, तो लेयर पे मीडिया पे आ जाना। तो मीडिया पे आ करने के बाद इसको क्या करना है, और एक टेम्पलेट वीडियो का ऐड कर लेते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, इस वीडियो का टेम्पलेट वीडियो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे देख रहा है स्प्लिट स्क्रीन, स्क्रीन पे आके इसको फुल स्क्रीन पे कर देना। तो फुल स्क्रीन पे करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग दी जाए, तो ब्लेंडिंग पे आके स्क्रीन पे कर देना। तो स्क्रीन पे करने के बाद इसको क्या करना है, लास्ट पोजीशन तक आ जाना। लास्ट पोजीशन तक आके यहाँ पे कैंची दी रहा है, तो कैंची पे आके स्ट्रेम टू राइट कर देना। स्ट्रेम टू राइट करने के बाद इसको क्या करना है, इस जो वीडियो देख रहा है तो वीडियो का ऑडियो को ऑफ कर देते हैं। इस वीडियो को ऑडियो को ऑफ करने के बाद इसको क्या करना है, और एक यहाँ पे लेयर देख रहा है, तो लेयर पे आके मीडिया पे आ जाना। तो मीडिया पे आके और एक टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेते हैं, इमेज ऐड कर लेते हैं, ब्लैक कलर का इमेज। इस इमेज को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज में क्लिक कर देना है। इमेज में क्लिक करके यहाँ पे दिख रहा है फुल स्क्रीन पे कर देना। तो फुल स्क्रीन पे करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग दे दे, तो ब्लेंडिंग पे आके स्क्रीन पे कर देना। तो स्क्रीन पे करने के बाद क्या करना है, जो इमेज इमेज को लास्ट पोजीशन तक बारा लेना है, इस वीडियो को लास्ट पोजीशन तक बारा लेना। इसके बाद क्या करना है, इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं, ऊपर के राइट साइड में देख रहे हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना। यहाँ फ्रेदर का हाई करके रखना, यहाँ पे 50 रहने देना। 50 रख सकते हो, फिर 60 रख सकते हो, मैं 50 रखता हूँ। यहाँ की सिचुएशन का हाई करके रखना, तो हाई करके यहाँ पे देख रहा है नीचे सेव वीडियो। तो सेव वीडियो में क्लिक कर देते ही यहाँ पे एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।